आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन द फिगर 6.54 ओ इज ए पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी और ओ जो है इसके अंदर एक पॉइंट है, इन विच ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ओडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल आपका राइट एंगल है। OE perpendicular to AC, OE perpendicular to AC है, and OF perpendicular to AB. Then so that हमें show करना है कि AO square plus OB square plus OC square is equal to minus OD square minus OE square minus OF square is equal to होगा AF plus BD plus CE square का sum. Okay? तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ओ ए ओ बी और ओ सी इस फिगर में नहीं है, तो इसमें हम ओ ए ओ बी और ओ सी जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ये वाली लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली है। ओ को ए से ज्वाइंट कर दिया है, ओ को अब बी से ज्वाइंट कर देंगे और ओ को यहाँ पे सी से ज्वाइंट कर देंगे। ओके, ये हमने इनको यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद अब हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारा राइट एंगल है तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट एंगल ही होगा, ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये राइट है तो ये भी हमारा राइट एंगल है और ये भी हमारा राइट एंगल है। और राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपरटेनियस कहते हैं, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हमारी हाइपरटेनियस होती है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOF, इन ट्रायंगल AOF। अब इन ट्रायंगल AOF जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपरटेनियस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है OA, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, इसके OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अब हम यहां पे लिखेंगे ओ ए स्क्वायर हमारा ये आ गया है। नाउ इन ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल एओएफ लिया, अब हमें ट्रायंगल दूसरा लेना है, कौन सा, ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी। तो यहां पे हमारा हो जाएगा ओ बी डी में, ओ बी डी ये हमारा, तो ये डी हमारा जो है लॉन्ग, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट है। सो ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं हम कौन से ट्रायंगल में चलना है, हमें अब देखना है ओ सी लाना है और ओ सी के साथ हमें क्या लेके आना है, सी ई। तो ओ सी ये वाली साइड है, तो इन ट्रायंगल ओ ई सी, इन ट्रायंगल ओ सी ई। अब इन ट्रायंगल ओ सी ई में हम देखेंगे तो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी हाइपरटेनियस, सो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 बाय। अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एल एच एस को लेफ्ट हैंड साइड को इधर ऐड कर दिया और आर एच एस को इधर ऐड कर दिया। हमें प्रूव क्या करना था, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, जो कि हमारा आ चुका है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, अब इधर क्या है माइनस ओ डी स्क्वायर। देखिए ओ डी स्क्वायर यहाँ प्लस है ना, इक्वल टू से इधर लेके आएंगे इसको, माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस ओ ई स्क्वायर है, ओ स्क्वायर हमारा ये है, इसको भी इक्वल टू से इधर ले आएंगे, माइनस ओ ई स्क्वायर और फिर हमें ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर हमारा ये है, तो ये भी प्लस है, इसको भी इक्वल टू से इधर लाएंगे, ये भी माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में इधर क्या बचा हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, पहले पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है।
अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें प्रूव करना ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ओके, तो हम इसको यहां से ही करेंगे, जो हमने ये प्रूव कर चुका है इसी के हेल्प से हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे हम प्रूव, हमें क्या लिखना है, ए एफ लाना है इधर, क्या लेना है ए एफ, जो हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं इसी के हेल्प से अब हम इसको नेक्स्ट वाले को भी प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया, देखो यहां तो हमने इसको प्रूव कर दिया ना, ये इक्वल टू ये है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये तो हमने जस्ट ये हमने प्रूव किया है, और ये इक्वल टू किसके है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या लेके आना है, देखिए ए ई लेके आना है, क्या लेके आना, सॉरी ए एफ, क्या लेके आना है, ए एफ लेके आना है। अब ए एफ बी डी सी ये तो इधर है ही, अब हमें यहाँ पे लेके आना ए ई, ए ई कहाँ है फिगर में, ये है ए ई। अगर हम इस राइट एंगल में देखें तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर हमारा ये वाली टर्म है, ओ ए स्क्वायर और ओ ई हमारी ये वाली टर्म है, ओ ई स्क्वायर, इन दोनों को पास पास रख लेते हैं। फिर प्लस, फिर क्या लेके आना मुझे, सी डी, सी डी कहाँ पे भाई फिगर में देखिए, सी डी ये वाला है सी डी, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये आ गया, और प्लस फिर हमें लाना बी एफ, बी एफ कहाँ पे, ये वाला, तो बी एफ के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर ये है यहाँ पे, और ओ एफ स्क्वायर आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में माइनस ओ एफ स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर आपकी ये वाली साइड है, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।